तो एक बार फिर मोदी सरकार और इसको लेकर जो बीजेपी के नेताओं की तरफ से, केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से मोदी सरकार के काम और जो योजनाएं गिनाई जाती हैं उसी का जिक्र एक बार फिर देश के सामने करते हुए अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे, जो बता रहे थे कि इस तरीके से आर्थिक मोर्चे पर भी कहां तो कभी देश की जो गिनती है वो फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में होती थी और कहां मोदी राज में अब हम टॉप 5 में पहुंच गए हैं। और सीधे आपको लेकर चलते हैं गुजरात, गांधीनगर, अमित शाह पहुंचे हुए नामांकन और तस्वीरें आपके सामने। जी नीरज, बिल्कुल बिल्कुल रोमाना, मैं आपको बता दूं कि गृहमंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं, उनका काफिला आ चुका है, सिक्योरिटी अलर्ट हो गया है, अगले एक मिनट से भी कम समय में वो कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और इसी मार्ग से, जहां आप देख रहे हैं भैया पीछे सिक्योरिटी लगी है, इसी मार्ग से वो आएंगे और अंदर जाएंगे, अंदर कलेक्ट्रेट में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। फिलहाल सिक्योरिटी अलर्ट हो गया है, पहली जो व्हीकल होती है स्कॉट व्हीकल जो वो आ चुकी है, माना जा रहा है सर्किट हाउस से वो निकल चुके हैं, अगले कुछ ही पल में यहाँ पहुंचने वाले हैं रोमाना। और आज अपना वो दूसरी बार गांधीनगर लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे, ये उनके लिए बहुत ही अद्भुत क्षण है, क्योंकि जब हम कल बात कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पिछले 25 साल से मैं इसी गांधीनगर में काम कर रहा हूँ, दीवालों पर मैंने पोस्टर लगाए, स्लोगन लिखे, कार्यकर्ता की तरह एक काम किया और आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि जब अपने ही लोगों के बीच में आज लोकसभा सांसद के रूप में मैं आ रहा हूं और लोगों से इतना प्यार मिल रहा है तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन आपको मैं बता दूं, फिलहाल सिक्योरिटी अलर्ट हो चुका है और किसी भी पल गृहमंत्री अमित शाह गांधीनगर कलेक्ट्रेट पहुँचने जा रहे हैं। जी रोमाना, बिल्कुल 12:32 हो गया नीरज, 12:39 वो शुभ मुहूर्त जब बताया जा रहा है अमित शाह नामांकन दाखिल करेंगे, तो जहां पर नीरज मौजूद हैं, बिल्कुल कलेक्ट्रेट के नजदीक मौजूद हैं और ये जो पीछे सड़क आपको दिख रही है नीरज पांडे के, यहीं से वो गाड़ियों का काफिला नजर आएगा। अमित शाह पहुंचेंगे यहां पर अपना नामांकन दाखिल करने के लिए। 2019 पहली बार इसी गांधीनगर सीट से अमित शाह सांसद बने, लेकिन इस गांधीनगर सीट से अमित शाह का रिश्ता 2019 नहीं, 2014 नहीं, 2009 नहीं, और पीछे जाइए 90 के दशक में जाइए और याद कीजिए लालकृष्ण आडवाणी वाला वो चुनाव, जहां पर एक आम कार्यकर्ता की तरह उस चुनाव की कमान जो है अमित शाह ने अपने हाथ में ले रखी थी और वो घर घर जाकर चाहे पर्चे बांटना हो, चाहे पार्टी का पोस्टर चिपकाना हो, इसीलिए कहते हैं कि गांधीनगर लोकसभा सीट जो है। अच्छा, फिर से नीरज बुला रहे हैं। जी, गाड़ियों का काफिला पहुंचना शुरू हुआ क्या? बिल्कुल 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 रोमाना, बिल्कुल ये आप देखिए सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, अमित शाह पहुंच चुके हैं इस समय कलेक्ट्रेट और ये जो काफिला है आप देखिए, इसी में अमित शाह एक गाड़ी में, ये देखिए सीधी ये गाड़ी में अमित शाह, गृहमंत्री अमित शाह बैठे हैं और उनके साथ पीछे भूपेंद्र पटेल और उनकी पत्नी, दोनों लोग, उनकी पत्नी सोनल पटेल और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, वो दोनों लोग भी उसी गाड़ी में। फिलहाल गृहमंत्री अमित शाह गांधीनगर कलेक्ट्रेट में पहुंच गए हैं और अगले कुछ पल में अपना नामांकन दाखिल करेंगे, उनके साथ पूरा काफिला है और देखिए आप बड़ी संख्या में जो उनके कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन सिक्योरिटी रीजन से वो कलेक्ट्रेट के अंदर नहीं जा पाएंगे। राज्य सरकार के मंत्री हर्ष सांघवी और दूसरे जो नेता हैं, यानी कि चार प्रस्तावक, केसी पटेल, मयंक पटेल, मुख्यमंत्री खुद भूपेंद्र पटेल, ये सारे लोग वहाँ पे मौजूद रहेंगे। उनकी पत्नी सोनल पटेल वो भी उसी गाड़ी में थी जिस गाड़ी में गृहमंत्री अमित शाह थे, तो एक गाड़ी में गृहमंत्री अमित शाह, उनकी पत्नी सोनल पटेल, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, तीनों लोग अभी फिलहाल कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर गए हैं। और आपने जैसे पहले ही बताया कि 12:39 का वो मुहूर्त है जिसमें ये अभिजित मुहूर्त कहा जाता है, जिस मुहूर्त में गृहमंत्री अमित शाह अपना नामांकन दाखिल करेंगे। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि पिछली बार यानी 2019 का जब वो नामांकन दाखिल करने गए थे तब भी 12:39 पर ही उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था और इस बार भी वो 12:39 पर अपना नामांकन दाखिल करने के लिए फिलहाल गांधीनगर कलेक्ट्रेट पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में वो प्रक्रिया भी आएगी, अंदर की तस्वीरें भी आपको आएंगी, दुनिया देखेगी कि देश का सबसे ताकतवर मंत्री, कैबिनेट मंत्री, वो इस समय अपना गांधीनगर से नामांकन दाखिल कर रहा है। जी रोमाना, और गांधीनगर को लेकर इतने आश्वस्त अमित शाह कि खुद उनकी तरफ से ही ये साफ कर दिया गया कि कल का पूरा दिन उन्होंने गांधीनगर को दिया। अहमदाबाद और गांधीनगर में जो गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के अंदर विधानसभा सीटें पड़ती हैं, वहां पर हमने देखा कल किस तरीके से रोड शो अमित शाह की तरफ से किया गया, जो सातों विधानसभा लोकसभा में आती है गांधीनगर की, उन सातों से अमित शाह का वो काफिला गुजरा और जबरदस्त उत्साह देखने के लिए मिल रहा था। और कार्यकर्ता जो है जीत को लेकर नहीं बल्कि किस तरीके से विक्ट्री मार्जिन को और बढ़ाया जाए,
क्योंकि पिछली बार 2019 में सीआर पाटिल थे, नवसारी गुजरात से ही जीत दर्ज की थी, जो देश में सबसे बड़ी विक्ट्री मार्जिन थी उससे। नीरज, इस बार लक्ष्य यही है अमित शाह और उनके समर्थकों के सामने कि किसी तरीके से टॉप किया जाए विक्ट्री मार्जिन में। देखिए रोमाना, एक बात समझना यहाँ बहुत जरूरी है। गृह मंत्री अमित शाह का, जैसे विजय त्रिवेदी जी बता रहे थे कि 25 साल का आप उनका उनकी मेहनत इस सीट पर आप देखिए, कभी वो खुद लालकृष्ण आडवाणी के लिए पोस्टर बैनर लगाते थे, आज वो अपने लिए यहाँ पर वोट मांग रहे हैं। लेकिन एक बात यहाँ और भी समझ, 2019 में जब वो लोकसभा जीत कर आए तब से लेकर आज तक बहुत रेयर रहा हो कि कभी वो सैटरडे और संडे को अहमदाबाद या गांधीनगर से बाहर रहे हों। सैटरडे संडे वो हर सैटरडे को गांधीनगर रहते हैं, हर संडे को गांधीनगर रहते हैं और संडे की शाम को वो दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। यानी फ्राइडे रात को वो आ जाते हैं, सैटरडे पूरा दिन देते हैं, संडे पूरा दिन, हफ्ते में दो दिन शायद ही कोई ऐसा नेता होगा जो डेडिकेशन के साथ अपने क्षेत्र में इतना समय दे। तो आज वो जो आश्वस्त हैं उसके पीछे उनके 5 साल में हर हफ्ते के दो दिन को काउंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन दो दिनों में वो आते हैं और पूरे हफ्ते की सारी जो बातें होती हैं, अपने कार्यकर्ताओं से मिलना, लोगों से मिलना, लोगों की समस्याओं को दूर करना, तो कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रॉपर समय देना और प्रॉपर लोगों से मिलते जुलते रहना, ये पिछले 5 साल की प्रक्रिया रही है। और यही कारण है कि गृहमंत्री अमित शाह कहते हैं कि मैं सिर्फ एक ही दिन रहूंगा और इसके अलावा सारा चुनाव मेरे कार्यकर्ता लड़ेंगे। तो वो विश्वास है कि 5 साल में जो लोगों से मिले, कनेक्ट किए, लोगों के काम किए, उसके दम पे अमित शाह जैसे नेता ये कह सकते हैं कि मैं अब इस इलेक्शन में नामांकन के बाद शायद ही मैं आऊं। दूसरी जो बड़ी आपने बात कही ये बिल्कुल सही है कि पिछली बार देश में सबसे बड़े मार्जिन से सीआर पाटिल चुनाव जीते थे। लेकिन आज जब कल हमने बात की कार्यकर्ताओं से गांधीनगर में भारतीय जनता पार्टी के, तो भाजपा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस बार सबसे बड़ी मार्जिन की जीत वो गांधीनगर से होगी और वो अमित शाह की जीत होगी, क्योंकि यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने लक्ष्य रखा है 10 लाख से अधिक के मार्जिन से चुनाव जीतना। वैसे भी विपक्ष के जो नेता लड़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने कहीं झंडा बैनर कहीं कुछ मुझे कांग्रेस का दिखाई नहीं पड़ा। तो एक तरह से देखा जाए तो गांधी नगर का जो चुनाव हुए वो एक तरफा चुनाव है। ये बात सही है कि 5,57,000 की के मार्जिन को अब भाजपा कार्यकर्ता कितना आगे ले जाते हैं वो तो 4 जून के बाद पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी का जो लोकल कार्यकर्ता है गांधीनगर में इस बार अमित शाह की जीत को ऐतिहासिक बनाने में जुटा हुआ है। जी रोमाना, बिल्कुल रहिए मेरे साथ नीरज। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।